اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

الحمد <مدول> لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك का नस्ताई एह दे सिरा तल मुस्तकी सिरा तल लाजी नुपमता

शैतानों फी ओमनीयते फैयंस खुल्ला हो मायुल के शैतानों सुमयो के मुल्लाहु आयाते वल्लाहु ما يلك الشيطان فتنة للذين في قلوبهم في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم ये सूरा अल हज की ज नंबर तिरपन और ऐत नंबर चौवन है जिसकी अभी मैंने तलावत की है इन नयात में ला तला फरमाता है और हमने तुझसे पहले यानी प्यारे नबी हस मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुतबा खत्म करके और हमने तो उससे पहले ना कोई रसूल भेजा है और ना ही कोई नबी मगर जब भी उसने ख्वािश की शैतान ने उसकी ख्वाहिश में कुछ मिला दिया तब अल्लाह उसे मनसूख कर देता है जो शैतान डालता है फिर अल्लाह अपने निशानों को मजबूत कर देता है और अल्लाह बहुत जानने वाला और हमत वाला है नतीजातन ताकि वो उसे जो शैतान डालता है उन लोगों के लिए फितना यानी आजमाइश का मौज़ बनाए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हो चुके हैं और यकीनन लोग ओग श मुखालफत में बहुत दूर निकल गए हैं इन आयात के हवाले से मैं सामीन को हर तबानी जमात इमाम मेहदी हर मिर्ज़ा ग़ुल अहमद्लम का एक और दो हवाले पढ़कर सुनाना चाहता हूँ रूहानी ख़ज़ान जल्द पाँच सफा तीन सौ बावन और तीन सौ तिरपन पे हजूर शां फरमाते हैं आप फरमाते हैं आपका मुकर खत पढ़कर एक बात कुछ ज़्यादा तफसील की मोहताज मालूम हुई और वो ये कि इस्तखारा के लिए ऐसी दुआ की जाए कि हर यक शख्स का इस्तखारा शैतान के दखल से महफूज हो अजीज़ मन ये बात खुदा तला के कानून कुदरत के बरखिलाफ़ है कि वो शयातिन को उनके मुाजा मुनासबा से मअल कर देवे अल्लाह जल शानु कुरान कई में फरमाता है तो माँ अरसलना मिन कबले का मे रसूल वला नबीयन इल्ला इज़ा तमन्ना अलके शैतानो फी उमनी याते फयन सकुल्लाहु मा युल्कु शैतानो सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाते ही वल्लाहु अलीमन हकीम सूरत अलहज आयत नंबर तिरपन यानी हमने कोई ऐसा रसूल और नबी नहीं भेजा कि उसकी ये हालत ना हो कि जब वो कोई तमन्ना करे यानी अपने नफ्स से कोई बात चाहे तो शैतान उसकी ख्वाहिश में कुछ न मिला दे यानी जब कोई रसूल या कोई नबी अपने नफ्स के जोश से किसी बात को चाहता है तो शैतान इसमें भी दखल दे देता है तब वही मतलब जो शौकत और हैबत और रोशनी ताम ताम रखती है इस दखल को उठा देती है और मनशाए इलाही को मुसफा करके दिखला देती है ये इस बात की तरफ इशारा है कि नबी के दिल में जो ख्याल उठते हैं और जो कुछ खवातर उसके नफ्स में पैदा होती हैं दर हकीक, दरहीकत वो तमाम बही होती हैं जैसा कि कुरानी कलम इस पर शाहिद है बमायंत बंत को अनिल हवा इन सूर नजम ऐत चार और पाँच लेकिन कुरान की वही दूसरी वही से जो सिर्फ मानी मिल जाने बल्ला होती हैं तमीज़ कुल ही रखती है और नबी के अपने तमाम अकबाल वही गैर मतलब में दाखिल होते हैं क्योंकि रूहुल कुदस की बरकत और चमक हमेशा नबी के शामले हाल रहती है और हर यक बात उसकी बरकत से भरी हुई होती है और वो बरकत रूहुल कदस से इस कलाम में रखी जाती है लहजा हर यक बात नबी की जो नबी की तो ताम से और उसके ख्याल की पूरी मसरूफियत से उसके मुंह से निकलती है वो बिला शुबा बही होती है तमाम अहादीस इस दर्जा की वही में दाखिल हैं जिनको गैर मतलू वही कहते हैं अब जले शान ऐत मसूफ़ा ममदूह में फरमाता है कि इस अदना दर्जा की बही में जो हदीस कहलाती है सूरतों में शैतान का दखल भी हो जाता है और वो इस वक्त के जब नबी का नफ्स एक बात के लिए तमन्ना करता है तो इसका इतिहाद गलती कर जाता है और नबी की इतिहादी गलती भी दर हकीकत बही की गलती है क्योंकि नबी तो किसी हालत में बही से खाली नहीं होता वो अपने नफ्स से खोया जाता है और खुदा तला के हाथ में एक आला की तरह होता है बस चूंकि हर एक बात जो उसके मुंह से निकलती है वही है इसलिए जब उसके इतिहाद में गलती हो गई तो वही की गलती कहलाएगी कहलाएगी ना इतिहाद की गलती अब खुदाए इसी का जवाब कुरान करीम में फरमाता है कि कभी नबी की इस किस्म की वही जिसको दूसरे लफ्जों में इतिहाद भी कहते हैं मस शैतान से मखलूत हो जाती है और ये इस वक्त होता है कि जब नबी कोई तमन्ना करता है कि यूँ हो जाए तब ऐसा ही ख़्याल उसके दिल में गुज़रता है जिस पर नबी मुस्तकिल राम करने का इरादा कर लेता है तब फिलफौर वही अकबर जो कलाम इलाही और वही ये और मुहीमन है नबी को इस गलती पर मुतनज मुतनबा कर देती है और वही ये मतलब शैतान के दखल से बकुली मनजा होती है क्योंकि वो एक सख्त हैबत और शौकत और रोशनी अपने अंदर रखती है और कौले शकील और नज़ूल भी है और इसकी तेज शुआ शैतान को जलाती हैं इसलिए शैतान इसके नाम से दूर भागता है और नज़दीक नहीं आ सकता और नीज मलाइक की कामिल मुहाफ़्जत इसके इर्द गिर्द होती है लेकिन वही गैर मतलब जिसमें नबी का इतिहाद भी दाखिल है ये कुवत नहीं रखती इसलिए तमन्ना के वक्त जो कभी शाजो नादर इतिहाद के सिलसिले में पैदा हो जाती है शैतान नबी या रसूल के इतिहाद में दखल देता है फिर वही ये मतलब इस दखल को उठा देती है यही वजह है कि अम्बिया के बाज इतिहादात में ग़लती भी हो गई है जो बाद में रफा की गई ये तो एक हवाला है हजूर का इन्हीं आयात के हवाले से जो अभी मैंने सूरत अलहद की आयात तिरपन और चौबन पढ़ कर सुनाई है सामी को अलावा इसके एक और मैं इसी हवाला से इन्हें हयात के आयात के हवाले से मैं एक और हजूर का मानसफा एक सौ चौदह और एक सो सौ सोलह पर अल्फाज है। हैं आप फरमाते हैं बस इतिहादी गलती की ऐसी ही मिसल है जैसे आजम को नमाज में चंद दफ़ा सहब वाकया हुआ तो इससे दीन के मसाइल पैदा हों सो इसी तरह बाज़ात इतिहादी गलती हुई ता इससे भी तकमील दिन हो और बारिक मसाइल इसके जरिया से पैदा हों और वो सहब बहशत भी तमाम लोगों की तरह सहब था बल्कि दरअसल हम रंग बही था क्योंकि खुदा तला की तरफ से एक ख़ास तसरफ था जो नबी के वजूद पर हावी होकर उसको कभी ऐसी तरफ मायल कर देता था जिसमें खुदा तला के मसाले थे सो हम इस इतिहादी गलती को भी वही सेलीदा नहीं समझते क्योंकि वो एक मामूली बात ना थी बल्कि खुदा तला इस वक्त अपने नबी को अपने कब्जा में लेकर मसाले आम के लिए एक नूर को सैफ की सूरत में या गलत इतिहाद के किराए में जाहिर कर देता था और फिर साथ ही वही अपने जोश में आ जाती थी जैसे एक चलने वाली नहर का एक मसलहत के लिए पानी रोक दें फिर छोड़ दें बस इस जगह कोई अक्लमंद नहीं कह सकता कि नहर से पानी खुश्क हो गया या इसमें से उठा लिया गया यही हाल अम्बिया की इतिहादी गलती का है कि रूहुल कुदस तो कभी उनसे अलदा नहीं होता मगर बाजा खुदा तला मसाले के लिए अम्बिया के फहम और इदराक को अपने कब्ज़ा में ले लेता है तब कोई कॉल या फेल साहब या गलती की शक्ल पर उनसे सादर होता है और वो हमत इलाही जो इरादा की गई है जहर हो जाती है तब फिर वही का दरिया ज़ोर से चलने लगता है और ग़लती को दरमियान से उठा दिया जाता है कोई इसका कभी वजूद नहीं था तो ये हजूर शाम के दो मैंने इकतबारसाथ पढ़कर सुनाए आप लोगों को इतिहादी गलती के हवाला से आप असन ने बता दिया और सूरत अलज की ऐत नंबर तिरपन और चबर में ही इसी मजमून का अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबीयत महम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा को मुखातब करके जिक्र कमाया हुआ है अब मैं अपने खुतबा के असल मज़ू की तरफ आता हूँ जैसा कि खासा का गुजशत खुतबा जुमा जो था उसका अनवान इस तरह था कि आज सल्लम स्थार्थ की पेशगोई के मुताबिक माउद इमाम महदी और माउद मसीह सबन मरीम क्या दो वजूद हैं या एक वजूद है मैंने गुजत खुतबा जुम्मे में भी बताया था सामिन को और गुज्त खुतबा से पहले जो खुतबा था यही उनतीस दिसंबर दो हज़ार तेईस का खुतबा उसमें भी मैंने सामिन को बताया था कि ये जो दो वजूद हैं एक वजूद नहीं है जैसा कि आंसर फरमाते हैं अपनी एक रवायत में कि वो उम्म कैसे हिला हो जिस अव्वल में मैं दरमियान में महदी और आखिर पे मसीह ईसा इबन मरियम होंगे एक रवायत में मसीह का लफ्ज़ आता है और एक रवायत में ईसा इबन मरीम का हाँ जिक्र फरमाया हुआ है तो मैंने पहले जो दोनों खुतबे हैं यानी पाँच जनवरी 2024 का खुतबा जुमा और इस उनतीस दिसंबर दो का खुतबा जमा इन दोनों में मैंने यही सामीन को बताया है कि आंसम के बाद जहूर और नजूर फुमाने वाले ये दो अलग अलग वजूद हैं ये एक नहीं है एक इमाम महदी अल्सम और दूसरा आखिर पर नजूर फुमाने वाला मसीह ई साबरियम है तो बहर जमात अम्बिया कादियान में या हम कह सकते हैं ये हर मिर्जा पर की जमात पर कब्जा करने वाले ही लोग हैं कुछ उनकी औलाद ही है तो इस जमात में इन दोनों वजूदों को यानी इमाम मेहदी और मसीह साहेबन मरीम को वन एंड द सेम बनाया गया है और मैंने पहले बात में बता चुका हूँ कि मकसद ये है कि जो आखिर पर मसीह साबिन मरियम नजूल फरमाने वाला वजूद जो है तो उसकी रास्ता बंद कर दिया जाए और अपनी इनकी नाम नहाज खिलाफत बना के बैठी हुई जबकि साहिब शरीत नबियों के साथ अल्लाह तुन की रहत के बाद खुरफा की जारी करने का सिलसिले का वादा फरमाता है जैसा कि आसम पर सूरत नूर में आयत नंबर छप्पन अल्लाह तै नाज फरमाई और उसमें बताया आपने प्यारे नबी नबीसम को कि मैं तेरे बाद खल्फा बनाऊँगा मैं खुद बनाऊँगा अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उनको बनाऊँगा और वो कौन होंगे जो ममन और अमाल साल बजाने वाले मालिक बदकारों को नहीं मैं बनाऊँगा जो गलत लोग होते हैं मतलब कि हर किस्म के नकायश जिनमें होते हैं उनको अल्लाह तुल्फा नहीं बनाता तो दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा ऐसा तो एक उमती और गुलाम नबी थे आप से आपकी वही में किसी जगह पर भी अल्लाह तारा ने आपसे ये बाबा ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे तेरे बाद मैं तेरी जमात के लिए और तेरी जो ग्रो होगा उनकी हिफाजत के लिए या तेरी तालीम की हिफाजत के लिए को खल फाक सिलसिले का जारी आगाज करूँगा ऐसी कोई बात नहीं है ना सूत नूर एत छपन मिर्ज़ा ग़ल साहब पर नाजर हुई सारी वही पढ़ लें मिर्जा ऊं की कहीं पर भी इसम की खिलाफत का अल्लाह तौर ने मिर्ज़ा ओम से वादा नहीं फरमाया और आपकी अल्बसियत पढ़ रहे हैं अलफ से लेकर यह तब पढ़ लें किसी जगह पर भी मिर्ज़ा ओम ने अपने बाद किसी किस्म की ख्फा जारी होने का वादा नहीं फरमाया और ख़ुद मिर्ज़ा बशीरद्दीन माहमूद अमन उन्नीस सौ पच्चीस में अपने एक मजमून भी ये बात कहता है लिखता है कि ये जो मिर्जा ़ल सब ने सदर अंजमन अहमदिया बनाई थी और उसके जो मेंबरान थी इसमें किसी किस्म का खिलाफत का ज़िक्र नहीं मिलता वो खुद फरमाती हैं मैं उनका ये 1925 की जो तकरीर है मैं बारहा हवाला भी दे चुका हूँ तो ये मिर्जा गुलाम ग़ुला की रेलत के बाद ये पहले तो मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह तालों एक दरवेश शिफ्त आदमी थे बड़े मन किसर मजायक थे नेक आदमी थे बल उनके मुंह से भी बाहर ये निकलती रही बातें अपने छः साल जो उनका दौर था क्यादत का या इमामत का अपने आप को वो खलीफा कहते रहे और मैं यही समझता हूँ कि बाहर ये उनके मुंह से निकली हुई बातें थीं जो कि दुरुस्त नहीं थीं और इन्हीं बातों को पकड़ा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद और इनके जानशीनों ने सारे आगे खलफा का सिलसिला चलाया जबकि कोई खलफा नहीं है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम शाह पर उन्नीस सौ सात में एक इलाम हुआ था बलायद मशक़ जबकि ये बलाैध मिश से मुरासी के वो जो अम्बी मलूक थे जिन्होंने खिलाफत रास्ता की सफल रेख पर अमत महम्दिया की क्यादत पर कब्ज़ा किया था और फिर बाद में वो खलीफा भी करवाते रहे तो रसूल खलीफा तो रसूल जिनमें तो यजीद भी था तो ये खलफा नहीं थे वो वो मलूक थे वो बलाध मिश् थी जो उमत महम्दिया के गले पड़ गई थी तो करीबन एक सौ साल के करीब उनका अरसा रहा है तो इसी तरह मिर्ज़ा ऊं साहब पर यहाम जो नाजर हुआ था ना बलायद मिर्श उन सौ सात में अप्रैल में तो दरअसल इसमें अल्लाह मिर्ज़ा साहब अम पर बे जाहिर किया था कि तेरे बाद भी एक बला तेरी जमात के गले पड़ने वाली है तो दरअसल वो बलायद मिश्र थी वो जो जिसका पाया तख्त दिश था तो ये बलाय का है मिर्ज़ा ऊम साहब के एक घर से शुरू होने वाली ये बला थी और इसी तरह मिर्ज़ा ाम साहब ने अपनी किताबों में यजीदी सिफ लोगों का जिक्र फरमाया हुआ है कि कादियान में यजीदी सिर्फ लोग पैदा किए गए हैं तो ये यजीदी सिर्फ जो हैं और ये जो बलाए दमिश्क है या बलाए कादियान जो है वो उनकी उलादी है और ऐसी जमात के गले कि आज तक मिर्जा के मानने वालों की जान नहीं छूट रही है उनसे तो ख़ासकर का, का खुतबा जो है इसका मजूब भी यही है कि कादियान के यजीदी यानी का कादीन या बलाद मश्क और उनके पालतू तो मौलवियों का मेहदी और मसीह इस मरीम को एक वजूद बनाने का फ्राग ये गुजशत जो खुतबा था वो हिस्सा दोम था आज का खुतबा जो है ये हिस्सा सोम समझ ले तो मौजू यही होगा कि मैं आज भी फिर बताऊँगा कि असल में ये एक वजूद नहीं है ये दो वजूद हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के एक नाम नेहाद खालद अहमद यद जनाब अक्रम खालिद साहब अपनी का सात नवंबर दो हजार अठारह की एक ई मेल में न सिर्फ मेरी तरफ जर्मनी के एक पालतू मौलवी और नाम नहाद की उन्नीस सफात पर मुश्तमिल बौगिया करते हैं बल्कि मजीद वो देखते हैं ये जो बॉन्गियों की जरियलाह बना पे उसकी बौगिया आपको दिखा रहा हूँ मुझे वसूल हो गई थी तो उसके नीचे वो लिखते हैं इंग्लिश में अक्रम जो खालिद साहब हैं प्लीज़ वेट अनटिल वन ईयर ऑफ जम्बा ऊन मुबाला टाइम कम ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन अच्छा इसके नीचे फिर वो लिखते हैं उर्दू में लिखते हैं जम्बा साहब का चैप्टर क्लोज हो गया है यानी ये बड़क मारते हैं यानी ये उनकी ई मेल सात नवंबर दो हज़ार अठारह की है और इसके नीचे फिर एक बर्क मारते हैं वो अक्रम खालद साहबी नाम खाल अहमदियत वो कहती हैं जम्बा और एनी जम्बी नेवर रिस्पॉन्स दिस अटैच नाइनटीन पेजेस प्रूफ्स दैट जम्बा क्लेम इज हंड्रेड परसेंट फास्ट क्लेम ये मैं दिखा देता हूँ सामिन को भी और अक्रम खालद साहब भी याद खाल अहमदियत बना पड़ता है ये देख ले आपने ये बात कही है बड़ मारी है कि जम्बा और एनी जम्बी रिस्पॉन्स अटैच दैट जम्बा क्लेम इज हंड्रेड परसेंट फॉल्स क्लेम मैं इसको भी बता देता हूँ कि ये मतलब कि द्रोह गोई करता फिर रहा है अक्रम खालिद साहब अक्रम खालिद साहब को याद होना चाहिए कि जब ये मुझे मिला था दो चार हफ्तों में ही मैंने एक मजमून लिखा था उसका नंबर है 133 और उसका अनुमान था हर मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का अव्वल और बुजुर्ग दावा इमाम महदी होने का था तो ये मजमून नंबर 133 है सामीन सारे अलगुलाम डॉट पर ये मजमून मेरा पढ़ सकती हैं और वहाँ पर मैंने इसकी ये जो जरियुल्ला साहब ने बोंगियाँ मारी हैं ना इस मजमून उन्नीस सफ़े में मैंने उनका तफसीलन जवाब दिया हुआ है और हकीकत लोगों को बताई हुई है और अक्रम खालिद साहब ने भी ज़रूर वो पढ़ा होगा मेरा मजमून और मेरे ख्याल से तो उसको आनी चाहिए कि मैंने क्या जम्बा साहब को लिखा है तो जम्बा साहब ने तो टाइम नहीं लगाया मुंह पर दे मारा लिख के उसका जवाब तो कहते हैं कि जम्बा और, और एनी जम्बी नेवर रिस्पॉन्स दिस अटैच नाइनटीन पेज प्रूफ दैट जम्बा क्लेम इज हंड्रेड परसेंट फॉल्स क्लेम मैं यही सिर्फ कहता हूँ अक्रम खालिद साहब को कि आप डूब के मर जाओ लेकिन तुम इतने बेशर्म और बेगैरत हो कि तुमको तो चुलूबार पानी में डूब के मरना भी नहीं आता ये तुमने बढ़ जो मारी है ना यहाँ पर ये ई मेल आपके लिए मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी मेरे ई मेल सेक्शन में मौजूद है ई मेल तो ये तुम्हारा तुम लोगों का हाल है जम्बा साहब का चैप्टर बाहर क्लोज नहीं हुआ याद रखें कि तेरी नाम निहार जड़ी वो कादियानी जमात बनी फीतिया मिर्जा गुलाम साहब की मानने वाली जमात उनका चैप्टर हमेशा हमेश के लिए इस आजिज़ के ज़रिए अल्लाह ने क्लोज कर दिया है और आपके ये जरियुला भी जर्मनी में होता है एम जी मरबी है मैं बारह हाँ इनको दावत दे चुका हूँ कि आए मेरे पास और अगर बात करना चाहें किसी हवाले से किसी मौजू के हवाले से मैं करने के लिए तैयार हूँ फ्रैंक मुझे बुलाएं मैं वहाँ पर आऊँगा लेकिन जगह वहीं पर हमारी बात होगी जहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जगह होगी लेकिन कील में मेरे पास आए मेरे मेहमान होंगे तो मैं उनको इज्जत भी दूंगा उनको पूरी हर किस्म की सहूलत दूंगा वो बात करेंगे लेकिन कभी आए तक बीस साल हो गए हैं ना जर्मनी से ना लंदन से किसी जगह से भी कोई किसी को काम की को जरूरत नहीं हुई वो तो मेरे साथ बात करें तो इस लिहाज से मैं आक्रम साहब कहूंगा भी डूब के मरो लेकिन तुम बेशर्मो तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि हम अब डूब के मर जाए कहाँ मरोगे तुम तो ये ये तेरी बढ़ मारी है उसका मैंने आ, मजमून नंबर एक सौ तैतीस पे चार साल पांच साल पहले जवाब दिया हुआ है आज फिर मैं इस मजमून के हवाले से भी चंद बातें करूँगा सामिनेकर खसार अमरीकी नाम लिहात खालद अहमदियत से जवाबन गुजारिश करता है कि ना सिर्फ आपके खुद सख्त मुस्लिम अहद का दावा झूठा था बल्कि आपकी कब्रस्तानी जमात अमरिया यानी बलायदान के अक्सर अकायद झूठ पर मबनी हैं और बलायदान ने ये झूठे अकायद नसल दर नस्ल जैनी तहरीर के साथ आप लोगों के न सिर्फ दिलो दिमाग में दाखिल कर दिए हैं बल्कि आपकी आदात में भी दाखिल कर दिए गए हैं और जो अकीदा खा वो कितना ही झूठा हो अगर किसी इंसान की आदत में दाखिल हो जाए तो फिर उस झूठे अकीदे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और इसी हकीकत की तरफ इमाम मिर्जा गुलाम अहमद अपनी किताब नजूलसी में लिखते हैं जैन जल्द अठारह सफा चार सौ तेरह साहब के आपते हैं हाँ सच है कि हर एक अकीदा जो आदद में दाखिल हो जाता है तो इसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है ये अक्रम खाल साहब और इस किस्म के सारे जहल हैं कादियाली जमात के सबको मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बीमारी है कि तुम्हारा इतनी जिन जिनी तथीर कर देगी यह नस्ल दर नसल ऐसा झूठ तुम्हें दिल और दिमाग में बिठा दीगे अब आप छोड़ना आपके लिए मुश्किल है लेकिन बाहर जो मुद्की लोग होते हैं नेक नीत होते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती जब वो देखते हैं कि किसी सहादत को मामूर कर दिया गया है और हमें सच सच और हकक सबूत के साथ बता रहा है तो इस किस्म के झूठे अ पर जो मुतकी लोग होते हैं नेक नीयत होते हैं वो लंद बेच देते हैं वो छोड़ देते हैं वो नहीं इस किस्म के झूठों की पैरवी फिर करते हैं एक और हवाला मिर्जा गुलाम ऊल् का मैं देता हूँ इसी हवाला से हर्ज मिर्जा साहब अपने मलफूजात न्यू एडिशन जल तीन सफ़ा पाँच सौ अठत्ती पर फरमाते हैं जब एक अकीदा पुराना हो जाता है और देर से इंसान इस पर रहता है तो फिर उसे इसके छोड़ने में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं वो इसके खिलाफ नहीं सुन सकता बल्कि खिलाफ सुनने पर वो खून तक करने को तैयार हो जाता है जैसे कि आज कल यानी जमात के लोग मेरा खून करने के लिए तैयार है इनका बस नहीं चलता वरना तो खून भी शायद कर देते आगे हूसान लिखते हैं क्योंकि पुरानी आदत तबीयत के रंग में हो जाती है इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ इसकी मुखालफत की एक वजह यह भी है कि एक जमे हुए ख्याल को ये लोग छोड़ना पसंद नहीं करते यही मामला मुसीबत कादियानी जमात को पड़ी हुई है अब नस्ल दर नस्ल नमस्म योम मुस्लिम मना बैठे हैं झूठे यानी उन्नीस सौ मल्प उन्नीस सौ को झूठे जुट, दावा करता है फिर दस मार्च उन्नीस सौ चौवन को उसकी शहर अलग मुफ्त अल्लाह बनता ना वो झूठा दावा करके और फिर अल्लाह उसकी शहर रख कथा करता है मुफ्ती अल्लाह उसको साबित कर देता है ये मुफ्ती अल्लाह बनला दस मार्च उन्नीस सौ चौवन को रबा में मस मुबारक में नमाजी असर के बाद ये वाक़ हुआ बहुत सारे ऐसे नमाजी जो उस नमाज में थे खुद मुझे मिले उन्होंने खुद बताया कि हम उस नमाज में थे तो जब ये इसकी बतीन को शहर को अल्लाह ने क़त किया था फिर वह भागता फिर रहता जिस तरह बकरा ब्बा वो किया होता भाग जाता है लोगों से तोड़ा के रस्सी तो इस किस्म की हालत थी ये इसकी बागता फिर रहा था और खून सारा कपड़ों पर ये तो ये जो अल्लाह पर इफराह करे उसका एंड यही होता है कि अल्लाह उसको नहीं छोड़ता अल्लाह का सूरत में वादा है कि जो मुझ पर इफतरा करेगा झूठे इल्हम बनाएगा मैं दाएँ हाथ से पकड़ को उसकी वतीन को कथा कर दूंगा तो मज़ीरा मिर्ज़ा बशरुद्दीन महमूद की वतीन क़था हुई कि नहीं हुई दस मार्च में सोचा मन को अच्छा इसके बाद मैं वो जो मौलवी है नाम नेत जरियला की बोंगियों की तरफ आता हूँ ये जो मैंने दिखा दिया है ये जो उसका मेरी तरफ भेजा था ने तो बहर ये मजमून नंबर एक सौ तैतीस पर सामीन पड़े वहाँ पर मैं अपने मजमून इसके जवाब जो दिया उसके नीचे ये सारा मैंने लगा दिया है उसके उम्र सफे भी मैंने टेस्ट की हुई है वहाँ पे ये पूरा भी पढ़ लें सामिन और देख लें कि ये क्या बउिया मौलवी है ना ये मरबी बउियाँ इसने क्या क्या मारियां इसके इनको तो इलमें कोई नहीं मिर्जा गुलाम साहब की अहमदीद का इनको नहीं बल्कि होने ही नहीं दिया गया निजाम ने और इनको तनख्वाह एजेंट नहीं होते जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते इस किस्म के लोग हैं बस ये इनको अपनी तनख्वाह चाहिए बाकी इनका हक, हकीकत से सच्चाई से कोई तलक नहीं तो अब अब मैं नाम ने नोंगी की बोंगी की तरफ आता हूं ये लिखता है मेरे हवाला से जैसा कि आपके इल्म में होगा आगे ब्रैकेट में लिखता है अब्दुल्खार जम्बा का दावा आगे फिर ब्रैकेट में 20 फरवरी अठारह के इश्तहार में जो मिर्जा साहब ने मुसे मौत की पेशवई की थी उनके यानी ब्रैकेट में लिखता है यानी खाक साहब के बकौल इस की मिस्ताक अब्दुल अब्दुल्खार साहब हैं इसके अलावा है, 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 ये उनका दावा है यानी मेरे मुताबत है इसके अलावा ये उनका दावा है कि ब्रैकेट में लिखा है मिर्ज़ा साहब ने जिस कुरानी इलम पाकर ईसा की वफ़ात की थी और हदीस में आने वाले मसीह का जिक्र किया था तो इस आने वाले शख्स का मिसाक गफार साहब हैं और इस सिलसिले में ये एक रवायत पेश करते हैं यानी वो लिखता है साहब वो उम्मत कैसे हिलाक हो वो उम्मत कैसे हिला हो, हो सकती है जिसके शुरू में यानी मोहम्मद दरम्यान में इमाम मैदी और आखिर पे मसीमें ये मैं उसके पढ़े थे तो आगे और आखिर पे ईसा अपने मरियम होंगे ये अल्फाज उसकी हैं आगे फिर ये मौलवी साहब आगे जरियल्ला साहब लिखते हैं तो आइए उनके दावा नंबर दो पर कुछ रोशनी डाली जाए और इस रवायत का मुखसल जवाब ये है कि असल रवायत ये है कि वो उम्मत कैसे हिला हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ और आखिर पे मसीह ईसा अपने मरियम है मरियम होंगे इसी रिवाय को हजूर ने भी तहरीफ फरमाया मुलाजा फरमाए ज़िल्द सीन सौ उनहत्तर मैंने पहले भी बताया अपने खुदबात में आज फिर बता देता हूँ कि देखिए ये हदीकत तो सालहीन इनकी किताब है और इसके सफ़ा चार सौ दो पर ये एक हदीस है हदीस का नंबर है पाँच सौ सत्तर ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ इस हदीस में अगर ये हदीस सच्ची ना होती तो ये लोग अपनी हदीकत और साल में कभी भी इसको शामिल ना करते तो ये उन्नीस का एडिशन है इनकी हदीकत और का इसके 402 सौ पर हदीस नंबर 570 पर ये हदीस लिखी हुई है मैं यहीं से पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं अन निबन अब्बासन रजी अल्लाह मरफू अन काला दन तहलु उम्मतन अनाफी अव्वलेहा वाई सबन मरियमा फ़ी आखिर हा वल वलमहदीओ फी ते हा कंजुलमान कमजुल एक सौ सतासी बटा दो जाम सगी सौ छः बटा दो तर्जमा ऐसा है कि अपनी अब्बा सजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आज सम ने फरमाया वो उम्मत हरगिज हलाक नहीं हो सकती जिसके शुरू में मैं और आखिर पे मुसीह मौत और दरमियान में महदी होंगे बाहर ये आसम की रवायत में तो ईसा बिन मरीम यहाँ पर आखिर में वसीम मऊद तो मैं बता देता हूँ कि ये देखो ना ये हदीस अगर ना होती तो ये अपनी सालमी ने कभी ये इसको जगह ना देते लेकिन उन्नीस सौ सतासठ के एडिशन में ये है अब इनको मौजूदा जो हदीकत साल है उसमें से उन्होंने ये निकाल दी है तो ये झूठ बोलता है जरियल कि असल रवायत इस तरह है उस किस्म की रिवायतें भी हैं आंसू ने फरमाई हुई लेकिन ये जो मैंने रिवायत इबन आबाद से पढ़ी है ये भी आ सबने फरमी हुई है बल्कि एक और हदीस है जो जिसका मैंने अक्सर मन ज़िक्र भी किया हुआ है गुजशा खुतबा जुमा में भी किया था तो आज भी इन शी मैं उसका जिक्र करूँगा तो अब मैं आता हूँ इसके ये जो जरियल साहेब ने अल्फाज लिखे हैं तो उसके हवाले से जवाबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक हर मसीह ईसा इब्न मरियम नासरी आलम की वफ़ात का तल्लक है तो जैसा कि साहब अपने मजमून में बता चुका है कौन सा मज़मून मजमून नंबर एक सौ तैतीस जिसका अभी मैंने बताया अनुमान है कि हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का अव्वल दावा अव्वल और बुज़ुर्ग दावा इमाम महदी होने का था ये मतलब के में मैंने बताया है मैं साहब अपने मजमून में बता चुका है कि बिला शिक्को शुबा इमामीब मसीम ने कुरम से मसीम नासम के जरिए अपनी तफसर में लिख दिया था मरियम नासम जिंदा आसमान की तरफ नहीं उठाए गए बल्कि वो दीगर इंसानों की तरह फौत हो गए हैं और इसका हवाला गुजशात में दिया जा चुका है तो मैंने ये जो मजमून पढ़ेंगे ना मेरा तो मैं तो इस वक्त मैं जरियल्ला की जो अल्फाज हैं उसका जवाब दे रहा हूँ लेकिन इससे पहले मजमून नंबर एक में वो हवाला भी आप पढ़ लेना सर सद अहमद खान का उनकी मैंने तफसीर से दिया हुआ है इमाम मेहदी व मसीह मौद ने अरब रूहानी हजैन जल्द सत्रह सफ़ा तीन सौ उनहत्तर पर यह लिखा ज़रूर लिखा है कि आ हज़रत सरसम फरमाते हैं कि कैसी खुशकस्मत वो उम्मत है जिसके अव्वल में मैं हूँ और आखिर पे मुझे मौज है हजूर उस्म की पेश करदा ये हदीस बिल्कुल सही है इसी तरह जो हदीस खाकसार ने पेश की है वो भी बिल्कुल सही है और इसकी दो वजूहत हैं पहली तो अभी मैंने अभी इबन अब्बास की हदीस आप लोगों को पढ़कर सुनाई है वही है वहाँ पर मैंने जली को जवाब देते हुए लिखी है तो आगे सुनिए जमात अहमदिया कादियान का इस हदीस को अपने मजमू हदीस में शामिल करना इस बात का कति सबूत है कि यह हदीस भी बिल्कुल सही है जरी साहब मैंने आपको सबूत दे दिया है आपकी हकीकत तो साल का कि इसमें यह हदीस शामिल थी अगर यह हदीस मौजू और मरदूद होती तो जमाती अमरी कादीन के अरबा अख्तियार इस हदीस को कभी भी अपने मजमू में शामिल ना करते लेकिन बाद रजा जब उन्होंने सोचा कि इस हदीस में इमाम महदी के बाद मसीह सब मरीम के नजुल का जिक्र मिलता है और चूंकि जमाती अहमदिया कादियान में जनाब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने बीस फरवरी अठारह सौ छियासी की इलामी पेश हुई जकी गुलाम मसीह हुजमा या मोहमदी मसीह साहब ने मरीम के हवाले से मुस्लिम मौद होने का दावा करके अम्न महदी के बाद किसी मसीह साहब ने मरीम के नजूर का किस्सा खत्म कर दिया हुआ है तो फिर उन्होंने इस हदि... सही हदीस को अपने मजलूा हदीस में से सिर्फ इसलिए निकाल दिया ताकि आइंदा जमाती अहमदिया में कहीं इमाम महदी के बाद कोई मुद्दी बतौरे मोहम्मदी मसीह सब की खड़ा ही ना हो ये भी इन कब्रस्तानी मौलियों की यहूदियाना तहरीफ की एक जिंदा मिसाल है ज़ाहिर है कि वो तहरीफों तब करते हैं क्योंकि नाम लिहा जाली खलीफे जो बने फिरती हैं इनके कायदीन जो हैं वो उनको इशारा करते हैं कहते हैं ये करो तो वो कर देते हैं क्योंकि तो उन्होंने तनख्वाह लेनी है अपने पेटप्रस्त मौलवी हैं यहूदियाना सिर्फ जो रब्बी थे ये मुरबी हैं कादियानीानी जमात पे तो धंधा दोनों का एक ही है और उनका 2000 साल पहले वो यही काम करते थे कि आजकल ये जमाती कादियान में ये काम करते हैं दूसरी वजह सामने क्राम खाकसर की पेशकरदा हदीस की शदाकत की दूसरी वजह ये है कि इसकी तय में खाकसर ने एक और हदीस नकल की है जो कि हजरत इमाम जाफर सदक ने अपने परदादा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु से रवायत की है जैसे कि आप फरमाते हैं

जाफ़र रजी अल्लाह तु अपने बालस से उन्होंने अपने दादा हज हाँ, इमाम हुसैन रजी तन से की है कि रसूल है ने फरमाया तुम खुश हो और खुश हो वो कैसे हिला हो जिसके अव्वल में मैं हूँ मेहदी उसके वस्त में और मसीह उसके आखिर में है लेकिन इसके दरम्या एक कज रजमात होगी इनका मेरे साथ कोई तलक नहीं और मेरा उनके साथ कोई तलक नहीं जरी साहब देख लिया ये हदीस भी है तरफ से मरबी है और मरबी भी उनकी जो औलाद है फातमा से वो मरबी कर रहे हैं और फिर एक कजर जमात का जिक्र कर रहे हैं तो ये जो कादियानी जमात है इस टाइम ये वही कजरा जमात है जो कब्जा करके मिर्जा साहब की जमात पर बैठी हुई है सौ साल से नस्ल दर नस्ल लोगों को ऐसी जिनी ततहिर की झूठ उनके दिलो डाला और ऐसी गुमराह की लोगों को अब वो उसी गुमराहि में पड़ गए हैं और गुमराहि में चलना ही पसंद करते हैं जैसे कि अभी मैंने मिर्जा के, मैं के हवाले पेश कर दी हैं कि एक आदत में जब दाखिल हो जाए कोई हाँ वो कितना भी झूठा हो तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है आज कल ये इन लोगों का ये हाल है ये तो एक बात थी दूसरी मैं आगे लिखना चाहता हूँ कि मौलवी जरीुल्ला साहब आगे लिखता है कि जब सूरा अलजुमा नाजिल हुई आप सल्हसम सूरत अलजुमा की तलावत फरमा रहे थे जब ए आई वा लम्मा यल हा लम्हालहा बेहिम तो सुहाबा के नाम ने अर्ज की इस ऐत की जो तशी नबी एक अक्रम ने बयान फरमाई इसके मुताबिक आने वाला मसीह एक ही था ये सब झूठ बोल रहे हैं मदे तो मतलब कि आसम की रवायत में पेश कर रहा हूँ उसमें तो आसम दो वजूदों का जिक्र फर्मा रहे हैं तो ये जारी साहब का झूठ है तो ये झूठा मतलब कि ये जो बेजैब मेरी तरफ ये अक्रम खालद साहब ने देखो ये फिर मतलब कि झूठ बोल रहा है बंदा जवाबन गुजारिश है ये जो जरियल साहब लिखते हैं जवाबन गुजारिश है कि यहाँ पर ये मौलवी फिर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आसम ने मस्कूर ऐद की तफसीर करते वक्त किसी मसीह का जिक्र नहीं फरमाया था बल्कि सिर्फ अपनी बेसतीसानियाँ या अपने किसी बरूज या मसील का जिक्र फरमाया था और इस ऐद का जिक्र गुजशत सवाद में हो चुका है गुजश्वास मुरादे कि मैंने मज़मून नंबर एक सौ तैतीस के इस जरियल्ला के अल्फाज का जवाब देने से पहले मैंने तकरीबन बीस सफर का मजमून बाईस सफर का लिखा हुआ है उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि और इस ऐद का जिक्र गुजत में हो चुका है वहाँ पर शुरू में आप पढ़ लें सामीन वहाँ पर मैंने इन बातों का जिक्र किया हुआ है बल्कि मैं बता देता हूँ कि न्यूज़ नंबर साठ जकी ग़ुला मुस्लिम मऊद के मुतिक चौदह मवशी इलामात की तफसील पढ़ लें सम पर यह नाजिल हुए थे निशान रहमद जक्लाम यासी मरीम के हवाले से इसी तरह न्यूज़ नंबर एक सौ सत्तर वो कलामेल जिसमें मिर्ज़ा अहमदा को उमत महमदिया महमदी मरीम होने का रूहानी एजाज बख्शा गया ये न्यूज़ नंबर एक सौ सात सारे वहाँ पर देख लें आगे न्यूज़ नंबर एक सौ इकहत्तर है इसका ओमान इस तरह है कि हजरत सल्म की नजूल मसी ईसी मरियम की पेशगोई के मुताबिक हकम महमदी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ाम के अमूमी फरमोदात और बयान तो ये हैं वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चार बयान मैंने दर्ज किए हुए हैं हवाले मिर्जा गुलाम साहब के तो यहाँ पर मैं सिर्फ उनका एक हवाला पढ़ लेता हूँ ताकि मैं आगे चल सकूँ और खुतबा में लंबा नौ ज़्यादा हो हजूसा फरमाते हैं हु जल्द तीन सफा तीन सौ बासठ पर परमाते हैं अब ये सवाल भी काबिल हल है कि मसीह इबन मरीम तो दजाल के लिए आएगा आप अगर मसीह इबन मरीम के रंग में होकर आए हैं तो आपके मुकाबले पर दजाल कौन है इस सवाल का जवाब मेरी तरफ से ये है कि गो मैं इस बात को तो मानता हूँ कि मुमकिन है कि मेरे बाद कोई और मसीह इबन मरियम भी आ और बाद अहादीस की रूप से वो मौत भी हो और कोई ऐसा दजाल भी आवे जो मुसलमानों में फितना डाले मगर मेरा मजहब यह है कि इस जमाना के पागियों की मान कोई अब तक दजाल पैदा नहीं हुआ और ना कि अब तक पैदा होगा तो भारत मैंने सिर्फ एक हवाला पढ़ा है चार हवाले मैंने मिर्जा ओराम के बयान दिए हुए वहाँ पर न्यूज नंबर एक सौ सत्तर है अच्छा आगे मैं आसम की पेशगोई नजूल मसीह इसब मरीम की पेशगी के मुताबिक हकम अदल महमदी मरीम मिर्जा गुलाम सब के वो खूस फरमदात और जिन में आपके बाद एक यकी मऊद मसीह यमरीम की पेशगी मौजूद है वो पढ़कर साम को सुनाता हूँ जरियल्ला साहब भी अपने काना खोल के और रकम खाला साहब भी अपने कल कान खोल मेरे ये मिर्जा गुलाम कर मिर्जा ग़ुल के अल्फा मैं पढ़कर सुनाऊँगा ये आफलासत चट्ठाईस का मैंने खोला हुआ है ये बौगियाँ जो मारी हुई हैं जरियला साहब ने अजाला में ही एक जगह आप सौ उनासी एक सौ अस्सी आप बिल आखिर हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आवे क्योंकि नबियों के मसील दुनिया में होते रहते हैं बल्कि खुदा तला ने एक कतई और यकीनी पेशगोई में, में मेरे पर ज़ाहिर कर रखा है कि मेरी ही जरूरीत से एक शख्स पैदा होगा जरूरियत में नहीं? उनकी मिर्ज़ा साहब की रूहानी औलाद उनकी जमात मिर्ज़ा गुलाम साहब ने अपनी किताबों में मैंने हवाले दी हुई हैं अपनी किताब सबकी ऊलाम नसीमैया उसमें कि मिर्ज़ा गुलाम साहब ने अपनी जिसमानी औलाद के औलाद इस्तेमाल करवाया अपनी किताबों में और ये जो नबियों के मानने वाले होते हैं मामूर जो होते हैं की तरफ से आते हैं उनके जो मानने वाले ग्रोह लोग होते हैं उनके मतलब मिर्जा गुलाम साहब ने लफ्ज़ ज़ुर्रियत इस्तेमाल फर्माया यहाँ पर मिर्जा साहब ज़ुर्रियत के लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि मेरी ही ज़रूरी से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबियत होगी वो आसमान से उतरेगा और ज़मीन वालों की रा सीधी कर देगा वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा और उनको जो शुभ की जंजीरों में मुकैद हैं रिहाई देगा फर्जंद मजहिर मजह कसम लेकिन वो यही निशान रहमत की पेश गुई जो चिल्ला हिश्यारपुर में मिर्ज़ा सब पर नजर थी उसी का मिर्जा सब रहे हैं दूसरा हवाला जरियल्ला साहब सुन लीए पर झूठ बोलने से रुक जाइए ये झूठ आपको तबाह कर देंगे और आपकी आखिर तो तबाह तकरीबन मेरे ख्याल में ये जो ये करते फिर रहे हैं ये तबाह हो चुकी है अल्लाह आपको हदायत है। अगर आप अल्लाह चाहे तो हदायत दे सकता है लेकिन अल्लाह के फजल के बगैर हदायत नहीं मिलती पहले जरील साहब अपने अपने अंदर तकबा पैदा फरमाएँ नीयत भी मान जाए तो इन शाला फिर ज़रूर अल्लाह आपको तदायत भी देगा और आपको ज़ाया नहीं करेगा दूसरा हवाला सुन लीजिए ये जो तो जड़के मारी हैं आपने अपने रिसाले में दूसरा वाला है ये रूहानिक तीन तीन इस मसीह को भी याद रखो आप कह रहे हैं ना कि मैंने अभी लफाज पढ़े हैं कि एक ही मसीह का मेरा सब खुद फरमा रहे हैं इस मसीह को भी याद रखो अपने बाद दो आने वाला है इस मसीह को भी याद रखो जो इस आजिज़ की जरूरत में से या जिसका नाम इबन मरियम भी रखा गया है क्योंकि इस आजिजस को ब्राहिम मरियम के नाम से पुकारा है तो मरियम बनाएगी इसलिए था कि आप कि दुआओं की कबूलत के नतीजे में आगे आपको मरियम जिसका आसने अपनी रवायत में हुआ है कि वो मत कैसे जिसके अब्ल में मैं दरमियान में माँ और आखिर साहब ने मरियम हुई वो चिल्ला होशियारपुर में असल में वो जो पेशगोई मिर्ज़ा ग़ुल को निकली मिली थी इलामी पेशगोई जकी गुलाम मसीह उमा इलामी पेशगोई निशानदिया पेशगोई दरअसल उस पेशवी में मोहम्मद सम की जो पेश हुई है उम्मत के लिए दी हुई उन्होंने ईसा इस मरीम के हवाले से उसी को दोहराया गया था लेकिन थोड़ा और अलग रंग से तो ये जरियल साहब एक और मैं हवाला आपकी तसली के लिए पढ़ सुनाता हूँ आप लोगों को आप इतनी झूठ क्यों बोलते हैं मिर्ज साहब असलम की किताब में नहीं आपने पढ़ी हुई इनके मुंह पे मारो ये नाम न्याज खलीफे जो बने फिरते हैं भाई जनाब बस हम कैसे झूठ बोल रहे हैं ये मिर्जा साहब ने फरमाया हुआ है ये लेकिन चूंकि आपको तनख्वाह प्यारी है ईमान प्यारा नहीं है इसलिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे है। आगे मिला हैं आगे मेरा सफरिया चार सो अज़म पैदा होगा वो हुनों और एहसान में तेरा नजीर होगा वो तेरी ही नस्ल से होगा फिर बंद गिरामी अर्जमन हज ये जो शख्स है मिर्जा गुलाम साहब के घर में बतौर लड़का नहीं पैदा हुआ ना ये था इसका आखिरी मिर्जा साहब पर नजर होता है वो छह सात उन्नीसो सात को नजर होता है साहब का गुलाम हबली काबली तय्यबा इन नाम आमदन ईद मुबारकबाद ईद तो है चाहे करो लेना छह सात नंबर उन्नीस सौ सात को ये बशारत हो रही है तो ये तो पैदा ही नहीं हुआ जिसको तुम मुझसे मौत बनाकर बैठे हुए हो जो बन के बैठा हुआ खुद झूठे दावे करके इफ़रा करके अल्लाह पर उसकी दस मार्च उन्नीस सौ चौवन को अल्लाह ने उसकी शहर भी काट दी वो तो बारह जनवरी अठारह सौ उन्नवे को पैदा हो गया था ये छः सात नंबर उन्नीस सौ सात को जो हैं हो रही हैं मिर्ज़ा गुलाम सुन को यानी मामदी मरीम को ये उनका कोई जस्मायी रकत तो है ही नहीं क्योंकि मुबारक की पैदाइश के बाद यानी जून अठारह सौ निन्नवे में वो पैदा हुए थे चौदह जून गालबन मुबारक में चौथा लड़का उनका तो उसके बाद तो मिर्जा गुलाम साहब के घर में कोई रहीना ऊलाद पैदा नहीं हुई कोई लड़का पैदा नहीं हुआ जबकि ये जकी ग़ुलाम और उसके दीगर सफ़ाती नामों के साथ मिर्जा गुलाम साहब पर छः सात सात तक आठ लम्मी बिशारत नाजम हुई उनमें किसकी खबर दी जा रही थी मिर्जा गुलाम साहब को किसी जिसमानी लड़के की नहीं दी जा रही थी बल्कि रूहानी फम की दी जा रही थी एक और मैं हवाला पेश कर देता हूँ ये हवाला भी रूहानी खसैन जल्द बीस सफा तीन सौ छः हाशिया पर है आप फरमाते हैं खुदा ने मुझे खबर दी है कि मैं तेरी जमात के लिए तेरी ही जरूरी से एक शख्स को कायम करूँगा और उसको अपने कुर्ब और वही से मखसूस करूँगा और उसके ज़रिए से हक तरक्की करेगा और बहुत से लोग सच्चाई को कबूल करेंगे सो उन दिनों के मुंतजर रहो और तुम्हें याद रहे कि हर एक की शनाख्त उसके वक्त में होती है और कबल इस वक्त मुमकिन है कि वह मामूली इंसान दिखाई दे या धोखा देने वाले ख्याल की वजह से काबिल इतराज़ ठहरें जैसा कि कबल अज वक्त एक इंसान बनने वाला भी पेट में सिर्फ एक नतफ़ा या हल्का होता है तो ये अलसीत में हजूसम के अल्फाज हैं तो मैंने बताना था इसको अपना जरियुला साहब को अब देखें मिर्जा गुलाम साहब के कितने हैं? ये हवाले मैंने पढ़ दिए ये जो जो मेरा मज, आ, मजमून है एक सौ तैतीस या ये जो तो न्यूज़ नंबर जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया है न्यूज़ नंबर एक सौ सत्तर और न्यूज़ नंबर एक सौ इकहत्तर डॉट कॉम पर मिर्ज़ा गुलामसम के इन तहरीरों को इन बयान को पढ़ लें मिर्ज़ा ऊँसम के अमूमी बयान भी हैं और एक यकीनी आपके बाद एक मसीह सब मरीम की खबर है तो मिर्ज़ा ऊसम को तो वो मसीह सब मरीम चिल्ला होशियारपुर में जो जब दुआएँ उन्होंने खीं तो दिया गया था तो उसका यानी वो अलग वजूद है उसका कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता तो अक्सर मैंने गुजशत खुदमा में बात कही अब भी कह देता हूँ सूरत अल हज की जो आयात पढ़ी है ना मैंने शुरू में तिरपन और चवन उसके हवाले से मैं बता देता हूँ कि देखें मैं मिर्जा साहब के हवाले भी पढ़ दिए हैं कि नबी इंसान बशर होता है बादषकत अल्लाह तहमो फ को अपने कब्जा में लेकर उसकी कलम से या उसके मुंह से ऐसी बातें निकलवा देता है जो उसकी जिंदगी में किसी न किसी रंग में उसकी सहब और गलती को उठा देता है अल्लाह तलाकत नबीयम को बताता भी नहीं लेकिन वो जो साहब होता है नबी का उसको इतिहादी गलती कहते हैं वो उसके बाद उसकी औलाद और उसकी जमात के लिए इबिला बन जाती है मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि मिर्जा साहब असाम पर ये जो चिल्ला हशारपुर में निशान रहमत की पेशगोई नाजुल हुई थी ना कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी की माफी तू ने मुझसे मांगा आगे चल कर सो तुझे बशारत हो कि एक बजीर और पार लड़का तो दिया जाएगा एक जक़ी गुलाम तुझे मिलेगा वगैरह वगैरह जकी के आगे महम ब्रैकेट में खुद अपनी मलम कलम से लड़का लिखता है ये उसका अपना फैम था ख्याल था जबकि अल्लाह के केलम में ये लड़का था ही नहीं ये तो रूहानी है उनका छः सात नंबर उन्नीस सौ सात तक इसकी बिशारत मिलती रही अल्लाह ताला मलहम की इस इतिहादी गलती को अल्लाह उठा दिया और लड़के देने फिर बंद कर दिए चौदह जून अठारह सौ तो निन्यानवे निन्यानवे को आखिरी लड़का मिर्जा मुबारक मुबारक पैदा हुआ उसके बाद कोई लड़का नहीं दिया लेकिन इस जकी गुलाम की इस निशान रहमत की इस हलीम गुलाम की बिशारत छः सत नंबर उन्नीस सौ सात तक अल्लाह तक ने जारी रखी क्या बता रहा था अल्लाह ताला मह को कि ऐ मेरे मुल्लम मैं तो उसकी अभी बिशारतें दे रहा हूँ वो तेरा लड़का तो है ही नहीं पैदा ही नहीं हुआ हाँ मिर्ज़ा गुलाम साहब इस वजूद को इस जकी गुलाम को अपने बच्चों में ढूंढता रहा ढूंढना कोई गुनाह नहीं क्योंकि तो वो खुदा तो नहीं थे वो तो अल्लाह के बर्जिदा बंदे थे अल्लाह उनको एक विशारत नहीं दे रहा था वो समझता था कि शायद ये मेरी बच्चों में से कोई जकी गुलाम है वो अपनी औलाद में से वो ढूंढते भी रहे मैं उस तफसील की तरफ नहीं जाता कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ बार हाँ मैं अपने लेक्चरों और खुतबात में बता चुका हूँ लेकिन वो ढूंढते रहे ढूंढना गुनाह नहीं लेकिन देना ना देना अल्लाह का काम था क्योंकि अल्लाह हक रखता है अल्लाह का पेश गुई थी अल्लाह ने उस पर नाजिल फ़रमाई थी जैसे आसम पर पेश गु फरमाई अल्लाह इमाम मेहदी की पेश गुई हुई नसीब ने मरीम की पेश गुई अब आसम को तो हक़ नहीं था ना वो तयन कर देते हैं इमाम मेहदी का अगरचि उन्होंने कहा है कि इमाम मेहदी वो मेरी फातमा की तरफ से होगा लेकिन हम देखते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ वो तो कादियान में एक मोलिया ख़ानदान में अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया ये अल्लाह का काम है तो इसी तरह ईसा मरियम मरियमत पूरी उनके महंगिया गलती घर के बैठी हुई है कि वो मुसी जो मसी जो मसीह ईसा ईसाबन मरियम थी वही वो, वो सलीब से अल्लाह ने बचा कर अपनी तरफ उठा लिए ज़िंदा जिसमानी ये सब झूठ है इसमें कोई हकीकत नहीं तो आज कल वो पाकिस्तान में भी एक मुफ्ती साहब हैं वो इस किस्म के लेक्चर कुछ दे रहे हैं मैंने भी सुने हैं वो नजूल ईसीबन मरीम के बारे में लेक्चर दे रहे हैं चार आग अब तक दे चुके हैं मैंने भी उनके सुने हैं सारे लेक्चर जबकि हकीकत ही नहीं है इसमें क्योंकि एक बंदा ऊपर गया ही नहीं इस जिसम के साथ हम राज कैसे होगा तो बहरहाल ये कह बहर मैं कहना चाहता था कि उमत तो ये गलती करके बैठ गई कि वो मसीह साहब ने मरीम को ऊपर आसमान पर चढ़ा दिया अपने फहम में अपने गुमानों में जबकि हकीकत नहीं है ये कुरान मसीह साहब ने मरिम को मारता है वो फौत हो चुके हैं दूसरे डब्बियों की तरफ तो मोहम्मद सन ने जिस ईसीब ने मरीम की पेशगोई फरमाई हुई है वो उमती को फर्द होगा उसके उमती फर्द के हालात वाक्यात मुशाबत होगी मसीह ईसाबन मरीम जो मूसवी ईसा था दो हजार साल पहले बनी बनील में जिसको रसूल बनाकर मामूर फमाया था उसके साथ मिलते जुलते होंगे उमत महमदिया में उसके हालात और वाक़त उसकी मुशाबत होगी उसके तब और फिर ये भी कि यहूदियों में वो बनी ईशाईल का मौसवी मसीह जो जकी उलाम तो पैदा हुआ था

उसके मतलब लफम मसीह ने ये एक मुहावरा है कि जब लोग यहूदी बन जाते हैं यहूदी नमा हो जाते हैं यहूदियाँ ना रंग अख्तियार कर लेती हैं तो, तो तब उनमें मसीही आई लफ्स लोग भी पैदा होते हैं अल्लाह पैदा करता है और यहूदियों का और मसीह सब को तो जोड़ है ना उनमें तो वो खड़ा हुआ था तो ऐसे उमत मंडिया में भी एक फ़िरकाय ग्रोह ने यहूदी बन जाना था तभी 1500 पंद्रह सौ साल पहले प्यारे आकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुतमा ने ने इमाम महदी के बाद जिस बंदे का आखिर पर जिक्र फमाया कि वो नाजुल होगा वो मसीह में। इसका मतलब है उस वक़्त वो जो आहम्स की जो ग्रोह होगा मानने वाला वो जो जमात होगी या जो वो भी यहूदी नुमा बन जाने थे तो तभी तो मैं कह रहा था कि सूरत अल हज की जो आयात अभी मैंने पढ़ी हैं तिरपन और चौवन उसमें देखें ना यही है कि बाज़ के बाद फिर जब तमन्ना करता है अल्लाह तला करजद्दा नबी तो, तो उसमें शैतान दखल दे देता है तो देखें ना ये मिज़ा साहब ने जकी उलम के आगे उनकी शायद या ख्वाहिश भी होगी मैं नहीं कुछ कह सकता अल्लाह जानता है अल्लाह के वो बंदे थे मैं समझता हूँ कि उन्होंने ब्रैकट में लिखा लड़का या उनका तमन्ना थी या उन्होंने समझा अपनी वही को कि शायद ये मेरा लड़का है क्यों जब कोई लड़का नहीं था उनका लड़के साहब दावे करते रहे उनके एक लड़के झूठे और फिर शहर रकम कटवा के बैठ गए तो ये एक अलग मौजू है तो ये जो आयात में आया ना कि अल्लाह ताला फिर बाद वो तो जो शैतानी दखल होता है उसको उठा देता है और असल जो अपना मकसद है मुसफ़ा जो उस पर नबी पर ज़ाहिर कर देता है तो ऐसे ही हुआ कि मेरा साहब अपनी औलाद में ढूंढते रहे झकी ऊलम को लेकिन अल्लाह ताला जिस लड़के पर हाथ रखा उसने कि ये झक़ी ऊलम है बशीरबल उसको फौत कर लिया फिर जिस पर बतौर तफावल नाम रखा उनको जिंदा रखा अल्लाह ने फिर जिस मुबारक अहमद पर चौथे पर, पर किया ये वो हुआ आीन को चार करना अल्लाह ने उसको भी विफौत कर लिया सोलह सितम्बर उन्नीस सौ सात को चौथा लड़का सात साल का था तालबर वो फौत हो गया यानी फिर एक पोते को मिर्जा नसीर अहमद इबने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मतलब वो नाफिला उन्होंने कह दिया जबकि नाफिला भी उसी की वसी सब ने मरियम जो है जकी गुलाम जो है निशान रहम तो उसका एक नफला के तौर पर मिर्ज़ा गुलाम सन को मोहम्मदी मरम को बख्शा गया है कि अय मेरे बंदे ये जो तजीदे इस्लाम का तूने काम शुरू किया हुआ है तेरी मत के लिए मैं तुझे एक नफला के तौर पर गुलाम देता हूँ तेरी मदद करेगा तेरे मिशन में तेरी मदद करेगा वो नफला है वो कोई पोता शोता नहीं है जबकि मिर्जा साहब बैठे कि की शायद मेरा कोई पोता है जब उन्होंने मिर्ज़ा नसीर अहमद पर यह हकीकत अलही में हवाला बार हाँ मैंने पढ़ा जब उन्होंने कहा कि ये मेरा वो पोता नफला मौजूद है अल्लाह ने उसको भी भर कर लिया। अब को, को कि सोचे और करें कि ये ये क्या है अल्लाह एक बात बता रहा था अल्लाह ने एक बात को मखफी रखा मुल्हम पर ये बात साफ नहीं खोली कि ए मेरे ए मेरे बंदे ए मिर्ज़ा अहमद ये जकी उलाम, ये में तेरा लड़का नहीं है अल्लाह अगर ऐसे बता देता या ये नाफिला मऊद जो मैं दे रहा हूँ गुलाम ये वो जकी उलाम को मैं कह रहा हूँ ये तेरा तो तो पोता नहीं अगर अल्लाह खुल खुल की मिर्जा साहब को बता देता तो क्या मैं मिर्जा साहब अपने बच्चों में इसको ढूंढता इस जखीम को नहीं अल्लाह ने बात मखफ़ी रखी क्योंकि अल्लाह ने उसकी औलाद का मिर्जा साहब इसम की दुनियादार औलाद का इम्तान करना था अल्लाह को पता था अल्लाह को तो क्या मतलब जिन लोगों ने पैदा होना उनका भी अल्लाह को पता है कि किस बंदे ने क्या क्या करना है इस दुनिया में तो अल्लाह तला ने अपनी नबी की औलाद की आजमाश और उसके मानने वालों की आजमाश करने के लिए इन बातों को मख्फी रखा तो यही वो आ, लेकिन नबी का सहब जो था यानी उनका ख्याल तो जो था लड़का लिखा ब्रैकेट में इसको दरम्या से उठा इस तरह दिया कि लड़के होने बंद हो गए अल्लाह ने बंद कर दिए बिशारतें जारी रखी तो ये, वो अल्लाह तौर ने उसका सहब दूर कर दिया कि लोग जो उसे मानने वाले हैं उसकी आंखें हैं वो पढ़ते हैं ये बिशारती हैं तो कोई उनके घर में पैदा तो कोई लड़का तो हुआ ही नहीं था तो इसका मतलब ये रूहानी फर्जंद था कोई तो इसलिए मैं तो समझा रहा हूँ और ये सूरत लहज की आयात जो अभी मैंने तिलावत किए तिरपन और चौपन उनमें भी यही मजमू मिलता है ऐसे ही मिर्जा साहब अपनी किताबों में अक्सर मैंने कहा है कि ये दो वजूद हैं इमाम मेहदी और मसीह साहब ने मरीम मिर्जा ग़लाम साहब की किताबों में जगह जगह पर मसीह मौद मसीह खुद भी कहते रहे हैं अब मैं नहीं समझता कि उनको इन हदीस का पता नहीं था उस जमाने में मेरा किताबें तो छपकी होंगी ये उन्नीस सौ की बातें हैं जब उन दावा किया था इसके बावजूद भी वो इस पर अड़े रहे मसीह मौत मसीह मौत हालांकि दरअसल उनका बुजुर्ग और बड़ा दावा तो इमाम मेहदी का था इमाम मेहदी ही है जो कि मसीह मुस्फास्म है तो वो मसीह मौत पर वो मतलब करते रहे सारी जिंदगी अपनी किताबों में लिखते रहे आगे उसकी जमात अब उनके अल्फाज पकड़ के बैठी हुई है जबकि वो दो अलग अलग वजूद हैं मैं फिर बता देता हूँ सामिन को कि देखिए इमाम मेहदी खुद मिर्जा गुलाम एमसम थे और उनकी शदाकत के लिए वो आसम ने जो निशानी बयान फरमाई थी कसूफ व खसूफ़ ये उन्नीस सौ अठारह सौ चौरानवे में बरे सगैर में ये जाहिर हो गई थी और अठारह सौ पचानवे में अमेरिका में उस बरेम में भी ये द्वारा पर हुआ था खसू उन्हीं दिनों में माह रमज़ान में तो मैं बात कह रहा था कि वो तो इमाम मेहदी रास्म थे इमाम मेहदी अलग वजूद है वसी इस बने अग वजूद हैं और मसीह ईसा इब्न मसीबरी बूँ हैं जिसकी चिल्ला और उशार में महमदी सुन की दुआ तजर सुन के अल्लाह ने उन्हें वादा दिया था दी थी कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के मौत में तुमने ये सूरत मरीम पड़े वहाँ पर एक जकी गुलाम की बशारत मुस्लिम मरीम को दी गई उसी के मतलब अल्लाह फरमाता है रहमत मिन्ना वो हमारी तरफ से रहमत होगा अयातुल्लिन आसि दुनिया के लिए एक निशाना होगा बका है ये सारी बातें चिल्ला होशारपुर में नाजुल होने वाली वही जो इल्हामी वही है मिर्जा साहब पर नाजुल उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं अल्लाह ने उसी तरह मूसी मसीह साहब ने बरीम तरह कलमा इसे भी कहा कि तो चिल्ला हशारपुर में ना, इ्हाम नाजुल हुए मिर्ज़ाला साहब पर तो ये सारी बातें हैं जिसके मतलब मैं अक्सर बताया है अपने ये जो चार महीने लेक्चर दिए एक सौ चौतालीस लेक्चर नंबर एक सौ चौतालीस एक सौ पैंतालीस एक सौ छियालीस एक सौ वो जो असल उसकी अलामते हैं जैसे अल्लाह फरमातः है वो सख्त जहन व फहीम होगा और दिल का हलीम और अलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा और वो तीन को चार करने वाला होगा ब्रैकेट में मोलम लिखता है इसकी मानी समझ में, में नहीं आए दशमबा है मुबारक दशम्बा फुरजिली सारी तो निशानियाँ हैं खाकसान पर जो इल्हाम नाजिल हुआ डिवाइन तेरी परचुअस गार्ड इसमें अल्लाह ने ये सारी निशानियों को पूरी कर दी इस आज के वजह में तो क्या क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला मिस्ताक तो और बंदा हो अल्लाह के इल्म में और निशानियाँ अल्लाह ताला, ताला ये जो मऊद हैं निशानियाँ ये किसी और गैर मुतलका बंदे में अल्लाह ताला पूरा फर्द कर, करनी शुरू कर दी ऐसे हो सकता है अल्लाह ताला को भी गलती लग सकती है ऐसी कोई बात नहीं असल में बात यह है कि जिन लोगों ने झूठे दावे किए थे उस पेशगो की मिस्ताक ने वो बंदे ही झूठे थे उन्होंने इफ्तराह किया अल्लाह तला पर और फिर अपनी शहर आगे अपनी बतीने कटवाई तो ये जमाती में ये बात हो चुकी है बल आप लोगों को मैं तो समझा ही सकता हूँ मैं बता सकता हूँ और बाकी आगे आपकी मुकदर और आपकी किस्मत है और मैं यहाँ पर सिर्फ जरीुल्ला साहेब और जिनका ये मैंने जवाब आज खुद में दी है उसके अल्फाज का मैंने आज जवाब दिया आज के खुदा जुमा में इस तरह अक्रम खालिद साहब से कहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम सब को उन्नीस सौ में एक एलहान हुआ था लोग आए और दावा कर बैठे शेर ख़ुदा ने उनको पकड़ा शेर ख़ुदा ने फ़ु तस्कर सफा तीन सौ चौबीस देखे ना ये लोगों ने पहले मिर्जा बश मौत बनाया मऊद जकी गुलाम बनाया मऊद निशान रहमत बनाया पहले लोगों ने फिर वो शेर हो गया देर हो गया कि जनाब लोग मुझे पहले मेरे दावा से पहले बना रहे हैं तो उन्होंने भी उन तीस साल ये पेशगी का जिक्र करके कर लोगों के जेन पड़े फिर उन्नीस सौ चौतालीस में दावा ठोक दिया झूठा दावा कर दिया फिर दस साल बाद उन्होंने पकड़ा इधर मैं बताता हूँ तू क्या है फिर मस्जिद मुबारक रब्बा में दस मार्च उन्नीस सौ छप्पन में अल्लाह ने पढ़ाया मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुस्लिम अहद तो क्या है फिर अल्लाह ने उसकी बतीन कदा कर दी फिर भागता फिर रहा था वहाँ पर लोग लोगों ने देखा तमाशा तो बहर मैं कहता हूँ कि ये जो लोग आए और दावा कर बैठे शेर ख़ुदा ने उनको पकड़ा शेर ख़ुदा ने फतह पाई अक्रम खालिद साहब और जरियल साहेब देखो ये शेर खुदा मैदान में खड़ा है और बीस साल से खड़ा है और कादियानी जमात के जाले कादियानीानी जमात के खालदी अहमद कादियानीानी जमात के मौलवी कादियानीानी जमात के जा खरीफे इस अर्ज के आगे भागते फिर रहे हैं क्या ये निशानी इस बात की नहीं कि वाकई खुदा ने शेर बनाया उस बंदे को क्योंकि इलम दिया है उसको हकीक़त बताई है और उस पर हर चीज़ का इनकशाफ फरमा दिया कि अह मेरे बंदे तू किस सच्चा है मैं तुझे बनाया है जिसको लोग बनाए या जो खुद बने अल्लाह तल उसकी शहर लगों को ही क़ा किया करता है और जो खुदा बनाए तो खुदा तला उनको तकबीत देता है ताकत देता है दलाल देता है सबूत देता है आज मैं वो पेश कर रहा हूँ तो ये अक्रम खालिद साहब ये आपका वो बड़के थी कि जम्बा साहब का चैप्टर क्लोज हो गया क्लोज तुम्हारा हो गया है तुम्हारी कादियानी जमात का क्लोज हो गया है ब्लैक कादियान जो है उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में ये सब काम हो गए असीरों की रोस्गारी भी होगी तुम सब इंशाल्लाह शाह देखो बाकी हदायत तो मेरे हाथ में नहीं अल्लाह ताली का बंदा जब दुनिया में आता है उसके पास हदायत नहीं होती हदायत अल्लाह के पास होती है अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे आसम ने कुरान करीम में बाज़ियात में आसम से फरमाया हुआ कि ऐ मेरे नबी ऐ मेरे बंदे हदायत तू नहीं दे सकता किसी को हदायत मैं देता हूँ मेरा काम है जो मैंने आपको बताया है तुझे वो खुल खुल के लोगों को बता दे जो तो मैं तेरे तो पर इब्लाम नाजिल करता हूँ वही करता हूँ लोगों को बता दे बस बाकी हदायत के कौन काबिल है मैं जानता हूँ मैं हदायत देता हूँ तो फिर इन शाली कादियानी जमात में जो लोग हैं आम लोग हैं बहने हैं भाई हैं बुज़ुर्ग हैं मैं उनसे कहूँगा कि मेरी बातों को सरसी ना लो और मैं जरी को कहूँगा मरना है आपने और ना अक्रम खालद को भी कहूँगा आपने ही मरना है मैंने भी मरना है फिर क्या बनेगा वहाँ पे जाके मैं बारह कादियानी मौलवियों को बुलाया है आज भी मैं जरिए कहता हूँ कि जनाब आए इधर के पास मैं आपकी इज्जत भी करूँगा आपको मौका दूँगा पूरा जो आपकी ज़रूरत होगी पूरी करूँगा खुर्द नौश का जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी हिफाजत की लूँगा आएं आप आए अपने सात दो चार और मौलवी ले आए दो दिन चार दिन हम बात करेंगे मैं जिम्मेदार हूँगा आपकी हिफात का भी और रिकॉर्डिंग हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा लंदन में बुलाएँ मुझे मैं आने को तैयार हूँ और इसी तरह फ्रैंकफर्ट में अगर चाहें जरियल्ला साहब तो मैं आने को तैयार हूँ लेकिन जगह वो होगी जहाँ पर मैं कहूँगा हमारी बात होगी तो सिक्योरिटी वहाँ पर मेरी अपनी ही होगी मेरी अपनी जमात है वहाँ पर तो इन शाली अगर जरियल्ला साहब के पास कोई इलम है या समझता है कि नौजबिल्ला मिनक मैं गलती पर हूँ तो मेरी गलती दूर करें तो मैं इनशाला जब पता लग गया के कुर की वही के मुताबिक या के केमी कलाम के मुताबिक मैं किसी गलती में मुबला हूँ तो मेट लगाऊंगा छोड़ दूंगा जबकि तुम गलतियाँ तो तुम करके बैठे हुए मैं आखिर पे सामिर को बताना चाहता हूँ कि दो हजार साल पहले बदबक यहूदी मूसी जकी ऊलमी हरत मसीह इस बरी को नौबिल्ला लानती साबित करने के लिए काठ की लकड़ी पर सलीब देने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन अल्लाह ताला ने मूसी मसीह इस मरीम की दुआओं को कबूल फरमा उसे सलीबी मौत से निजात भी बख्शी और बदबक यहूदियों को अपने बद इरादों में नाकामो नाम भी फरमाया था ये दो हजार साल पहले की बातें हैं याद रखें दो हजार साल पहले वाले यहूदियों ने हर मसीह इसब ने मरीम को नऊब लानतीबित करने के लिए सलीब देने की कोशिश की थी लेकिन दौरे हाजिर के जदीद यहूदी यानी कादियानीानी एजमात जो है लेकिन दौरे हाजिल के जदीद जहदी यानी कादियानी जमाती अहमदिया या बलाय दमिश्क या बलाय कादिया ने मोहम्मदी माउद जकी ओलाम या मोहमदी माउद मसीसम ने वरीम का अखराज और मुकातिया करके अपने जो में उसे एक जदीद रंग में सिलीप दी हुई है या इन्होंने काम नहीं किया हुआ और ये एक किस्म का अखराज मुकात्या आजादी अजमीर से महरूम करना यह भी एक किस्म के सिलीब होता है और मैं इस हवाले से अपने एक उस्ताद है मौत हो गया प्रोफेसर जरा मोहम्मद अली चौधरी साहब उनका एक शेर आप लोगों के आगे पढ़ता हूँ तो किसी इंसान से आज़ादी अजमेर का हक चीना भी दरअसल उसे सलीब देने के मुतरित है जैसा कि मेरे उस्ताद साहब अपने एक शेर में कहते हैं बात राहजे की ना हर का बात रहानजे की नस्सा हिर का ज़िक्र है एक ख़्वाब की तबीर का मुझको सूली दी गई आवाज़ की मुझको सूली दी गई आवाज़ की मैं शहीद वक्त हूँ तहरीर का तो ये मेरे साथ भी यही उन्होंने किया हुआ है एक किस्म की मुझे काठ पर सलीब जो जो है वो तो मेरा कर नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक महफूज जगह पर पाकिस्तान से लेके आ गया है यहाँ पर ये तो बाल खा सकते हैं गुस्से का इज़हार कर सकते हैं गालियाँ निकाल सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अलहमदिल्ला ने मेरी हिफाजत फमाई हुई है और मेरा यहाँ पर कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता ये तो तो बात के बाद हाँ आज़ादियाँ जमीन छीन ले अखराज मुकातिया ये जो भी लांती काम है जो अबू जहल ने किए थे मामू के ख़िलाफ़ या फिरौने हरिदूसा शाम और बरीसर के साथ लानती काम सा अखराज मुकात्या और दुख दर तकलीफें ये इन्होंने मेरे साथ किए हुए हैं दोबारा लल्ला तला इन पर रहम करे अगर ये रहम के काबिल हैं वरना इनके शर से दुनिया को बचाए इसी पर मैं अपना खुतबा खत्म करता हूँ वो وآخر دمعنا الحمد لله رب العالمين فالحمد لله اولا باخرم بظاهرم ببعدنا هو با مولانا نم المولى ونم النصير ونم البكي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له مَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هادي الله ونشهد ان الله اله الا الله ونشهد ان مُحَمَّدًا عبده وَرَسُولُهُ الله الله رَحِمَكُمُ الله ان الله <سؤال> يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Az kırıl ha ya az kırkum maduho ya stajıblakum malazikrullah